ये आप रख ले। मैं क्यों रखूं? नहीं, मुझे जरूरत नहीं है इनकी, तुम अपने पास रखो। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ये बेटा, खुदा ना खास्ता चोरी होगा, मैं कहां से नुकसान पूरा करूंगी? मत पूरा करिएगा, कुछ मुझ पे खर्च कर लें, कुछ घर पे खर्च कर लें। ये तुम्हारा अपना घर है, किसी की मजाल नहीं है तुम्हें यहां कुछ कहने की। और ये पैसे मेरे पास तुम्हारी अमानत है, जब भी तुम्हें जरूरत हो मुझसे ले लेना, ठीक है? अल्लाह मुझे इस काबिल बनाए कि मैं इस अमानत की हिफाजत कर सकूं। अम्मा ये कपड़े। अरे हाँ, ये मैंने तुम्हारे लिए मंगवाए हैं, तुम्हें अच्छे लगेंगे, लेकिन अगर पसंद ना आए ना तो मुझे दे देना, मैं वापस करके दूसरे ले आऊंगी। नहीं, ये बहुत अच्छे हैं, बहुत शुक्रिया। मुझे पता था तुम्हें अच्छे लगेंगे, ये तो मुझे ही दे दो ना, कल मैं सी के ले आऊंगी तुम्हारे लिए। अरे अम्मा आप छोड़े, मुझे दे दें, मैं सी लूंगी। अपने कपड़े खुद डिजाइन करती है ये। हाँ। सी लोगी तुम? अम्मा कैसी बातें करती हैं आप, अगर मैं सीती नहीं हूँ तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मुझे आता ही नहीं है। चलें आप बॉस, इसी डिजाइन बता देना, फिर आगे हम देखेंगे कितने पानी में है। तुम रहने दो, तुमसे तो अच्छा ही सीती होंगी ना। देखते हैं ना, देखते हैं देखते हैं। आप रहने दे, मैं कर देती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। क्यों, खैरियत? हाँ, वो नईमा और फरा आई हुई अपना सामान लेने के लिए। क्यों? उनके जाने के दिन करीब आ रहे हैं ना, तो वो कह रही थी कि हम अपने भाई के घर से ही एयरपोर्ट चले जाएंगे। यानी वो हमारे यहाँ आके ठहरे थे शादी अटेंड करने के लिए, हमारे हालात देखकर और हमें ही प्राइवेसी देने के लिए बहाना बनाकर वो अपने भाई के घर शिफ्ट हुए। बड़ापन देखो यार उनका, और तुमसे इतना ना हुआ कि उन्हें किस तरह रोक लो? रोका था मैंने, कहा था उनसे, लेकिन वो कहने लगी कि फरा को मजीद छुट्टी नहीं मिल सकती काम से। अरे छुट्टी तो क्या, वो नौकरी छोड़ देती अगर बात करने का ढंग होता। खैर मैं बात करता हूँ उससे, कहता हूँ कि फरदीन के लिए ही रुक जाए। इतना सब कुछ होने के बाद अब फरदीन का बहाना बनाकर रोके है? कहाँ? पैकिंग कर रही है कमरे में। देखता हूँ मैं।